आज गृह मंत्रालय के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति द्वारा बिहार पुलिस के पदाधिकारियों को कर्मियों को जो पदक प्रदान किए गए हैं उसके बारे में विस्तृत रूप से आपको जानकारी देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। कल यानी 15 अगस्त को देश अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस यानी 76th इंडिपेंडेंट डे मनाएगा। इसे लेकर के बिहार में और खासकर राजधानी पटना में बिहार पुलिस जमकर तैयारियां कर रही है। बता दें कि चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई है। पुलिस बल की तैनाती बिहार के अलग अलग जिलों में कर दी गई है, खासकर राजधानी पटना में सुरक्षा व्यवस्था बिहार पुलिस की तरफ से टाइट कर दिया गया है। अगर कोई कुछ भी गड़बड़ी करने की कोशिश करेगा या कल के माहौल को खराब करने की कोशिश करेगा तो बिहार पुलिस उसे ठीक करने के लिए जो जितने भी व्यवस्था और जितने भी इंतजाम हैं वो कर लिए हैं। बता दें कि एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने आज पुलिस मुख्यालय से एक बजाबता प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी कि बिहार पुलिस जो है वो तैयारियां कर ली है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल जो है वो तैनात कर दिए गए हैं ताकि जनता को, आम जनता को यानी बिहार वासियों को, खासकर राजधानी पटना के पटना वासियों को किसी भी तरह के कोई भी तकलीफ का सामना करना ना पड़े। क्या कुछ कह रहे हैं एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर के, उनकी तमाम बातों को। पहले की नियमित प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। आज गृह मंत्रालय के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति द्वारा बिहार पुलिस के पदाधिकारियों को, कर्मियों को जो पदक प्रदान किए गए हैं उसके बारे में विस्तृत रूप से आपको जानकारी देंगे। जैसा कि वेबसाइट पर प्राप्त सूचना के अनुसार जानकारी आप सभी को मिल गई होगी, फिर भी मैं आपको बता दूँ, बिहार से इस बार पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री 2 पदाधिकारियों को, प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज 2 पदाधिकारियों को और 17 पदाधिकारियों को पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस दिया गया है। जहाँ तक गैलेंट्री मेडल की बात है तो उसके बारे में बता दूं कि देश में सर्वाधिक गैलेंट्री मेडल इस इंडिपेंडेंस डे के लिए जो दिए गए हैं 2023 के लिए, स्वतंत्रता दिवस 2023 के लिए, उसमें सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर राज्य में 55, महाराष्ट्र में 33, छत्तीसगढ़ में 24, आंध्र प्रदेश में 28, तेलंगाना में 22 दिए गए हैं। बिहार से 2 पदाधिकारियों को गैलेंट्री से पुरस्कृत किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है बिहार पुलिस के पदाधिकारियों को, और प्रेस के माध्यम से इन सभी पुलिस पदाधिकारियों को, कर्मियों को हम अपनी तरफ से शुभकामनाएं देते हैं, और बाकी जो पुलिस कर्मी हैं बिहार पुलिस के वो इसी तरह से अपने कर्तव्यों का निष्पादन करें, इसकी हम प्रेरणा लेने की का संकल्प भी करते हैं। 2 पुलिस पदाधिकारी जिनको गैलेंट्री मेडल मिला उसमें पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार जो वर्तमान में मधुबनी के पुलिस अधीक्षक हैं उनको, और पुलिस अवर निरीक्षक अनुरुद्ध कुमार को गैलेंट्री मेडल से नवाजा गया। ये मामला क्या है ये भी आपको बता दें, ये 30 जनवरी 2022 का गैलेंट्री मामला है जिस घटना में ये इनको गैलेंट्री पुरस्कार मिला। उस समय ये सुशील कुमार पुलिस अधीक्षक लखीसराय के पद पर थे। उनको और एसएसबी के कमांडेंट को सूचना मिली कि कुख्यात नक्सली पूर्वी बिहार पूर्वी झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी का सेक्रेटरी अनुज दा उर्फ परवेज दा उर्फ सहदेव सोरन, अर्जुन कोड़ा, अरविंद यादव, बालेश्वर कोड़ा, जगदीश कोड़ा एवं रेणुका कोड़ा इत्यादि के नेतृत्व में 20 से 25 हथियारबंद माओवादियों का दस्ता लेवी वसूली और ठेकेदार के अपहरण की योजना बनाते हुए कहीं पर इकट्ठा हो रहा है। 1 फरवरी 2022 को पुलिस बल और एसएसपी के द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई और दोनों तरफ से गोलियां चली। उसमें जो पूरी मुठभेड़ हुई, जब मुठभेड़ समाप्त हो गई तो उस पर 2 नक्सली मारे गए, उनके शव मिले जिनके नाम वीरेंद्र कोड़ा तथा जगदीश कोड़ा थे। इस पूरी घटना में छापामारी दल के द्वारा लगातार काफ़ी देर तक जो मुठभेड़ की गई उसमें अदम्य साहस का परिचय दिया गया। इस घटनास्थल से बैंड ऑटोमेटिक हथियार, भारी मात्रा में गोली, माओवादियों के द्वारा उपयोग में की जाने वाली कई सामग्री बरामद की गई थी। इसमें लखीसराय पीली बाजार थाना कांड संख्या 19/22 दिनांक 2 फरवरी 2022 दर्ज किया गया था। इस पूरे अभियान में पुलिस की तरफ से 2 पदाधिकारियों को
विशेष रूप से गैलेंट्री पुरस्कार दिया गया है, जिसमें आपको सुशील कुमार, जो पुलिस अधीक्षक उस समय लखीसराय के थे, वर्तमान में मधुबनी में है, और पुलिस सब इंस्पेक्टर अमृत, दो पुलिस पदाधिकारियों को उनकी लंबी सेवा के और उत्कृष्ट सेवा के लिए प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस से प्रदान किया गया। इसमें श्रीमती प्रीता वर्मा, जो इस समय डीजी ट्रेनिंग के पद पर हैं, और श्री अमरेंद्र कुमार अम्बेडकर जी, जो इस समय डीजी बीसएफ के पद पर पदस्थापित हैं, इन दोनों पदाधिकारियों को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज, यानी उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस मेडल प्रदान किया गया। 17 पुलिस पदाधिकारियों को पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विसेज दी गई हैं, उन सभी का नाम मैं पढ़ूंगा, ये सभी हमारे पुलिस बल के पदाधिकारी हैं। इसमें पुलिस अधीक्षक मधेपुरा को श्री राजेश कुमार को मेरिटोरियस सर्विस मिला, कुल 17 लोग हैं। दूसरे स्थान पर पुलिस अधीक्षक रेल कटिहार संजय भारती, जो SP रैंक के पदाधिकारी हैं, उनको मिला। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सोनपुर बिहार श्री अंजनी कुमार, श्री संतोष कुमार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी छपरा बिहार, श्री अजय कुमार एडिशनल SP पटना, श्री संजय कुमार पांडे SDPO सदर समस्तीपुर, श्री वीरेंद्र कुमार मेधावी पुलिस निरीक्षक STF पटना, श्री बिन्नू रजक पुलिस सहानी अपराध अनुसंधान विभाग पटना, श्री मोहम्मद गुलाम मुस्तफ़ा पुलिस अवर निरीक्षक पुलिस कार्यालय पटना, मोहम्मद इश्तखार खान पुलिस अवर निरीक्षक CID, श्री अंगद सिंह यादव हवलदार डुमराव बक्सर, श्री राहुल कुमार पुलिस सहानी अपराध अनुसंधान विभाग, श्री इंदिरा कमल झा पुलिस सहानी, ये हमारे मद्य निषेध इकाई जो प्रोहिबिशन की बनी है उसमें कार्यरत है, श्री वीरेंद्र कुमार सिंह हवलदार STF पटना, श्री अमरेंद्र कुमार मिश्रा सिपाही नालंदा जिला के ये हैं, श्री राहुल कुमार सिपाही अपराध अनुसंधान विभाग पटना, श्री शंभू कुमार सिपाही मुंगेर जिला बल, इन सभी वीरता विशिष्ट सेवा और सराहनीय सेवा के लिए महामहिम राष्ट्रपति से पदक प्राप्त करने वाले सभी पदाधिकारियों कर्मियों को हम बधाई दे रहे हैं। जैसा कि आपको दो दिन